हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज में क्या खास है, क्या सिखाऊंगा, चलिए शुरू करता हूं। यहां से पहले सबसे पहले न्यू फाइल हमें बनानी है, तो यहां क्लिक कर देते हैं और यहां से अपनी फाइल हम ले लेते हैं। अब यहां पर हमें कोडिंग क्या करनी है, क्या बनाने वाला हूं, ठीक है। जिस तरीके से यूजर द्वारा हम ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट करवाते हैं, उसी तरीके से स्क्वायर पैटर्न भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो आसान है, ठीक है। सबसे पहले तो मेन फंक्शन बना लेते हैं। मेन फंक्शन बनाया, यहाँ कैलिब्रेशन ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हमको सोचना है कि करना क्या है, ठीक है। तो कितने वेरिएबल्स बनेंगे, क्या होगा, तो फिलहाल जो यूजर नंबर एंटर करे उतने नंबर का स्क्वायर पैटर्न बन जाए, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इंट टाइप का एक वेरिएबल ले लेंगे, एन नाम से एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब हम दूसरा भी वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि लूप भी तो चलाना है। तो लूप चलाने के लिए एक आई कॉमा जे, दो वेरिएबल हमने ले लिए। यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, एंटर करके नीचे आए और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, क्योंकि प्रिंट एफ लिखने से ही स्क्रीन पे वो मैसेज दिखाई पड़ेगा। तो एंटर द नंबर ऑफ अ रोज, ठीक है। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये बैठा लीजिए कि स्क्वायर पैटर्न बनेगा कैसे, ठीक है ना। स्क्वायर पैटर्न बनाने के लिए आपको और कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, देखिए स्क्वायर पैटर्न कैसे बनता है मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए आइए बनाते हैं इसको। अब देखिए इसमें रोज भी होंगे, कॉलम भी होंगे। कॉलम क्या है, ये देखिए, ये एक कॉलम हुआ, देखिए ये एक कॉलम हो गया, देखिए कॉलम एक, फिर यहाँ पे देखिए दूसरा कॉलम ये हो जाएगा, फिर देखिए तीसरा कॉलम ये हो जाएगा, चौथा कॉलम ये हो जाएगा, इस तरीके से कॉलम बने हुए, ठीक है ना। और पांचवा ये हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अब रोज क्या है, तो ये देखिए ये पहला रो हो जाएगा, ये दूसरा रो, फिर तीसरा, ऐसे करके रोज भी बनेंगे। रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन हमें बनाना है। तो लूप चलाने के लिए दो वेरिएबल हमने बनाए हैं, आई और जे, ठीक है। अब चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं आगे लिखना। तो देखिए ये तो हमने एंटर करवा लिया, एंटर द नंबर ऑफ रोज। अब जो रोज एंटर होंगे, नंबर एंटर करेगा यूजर, तो वो यूजर एंटर करेगा, इसीलिए स्कैनअप लिख रहा हूँ और यहाँ पे इंटीजर लिया, इसीलिए परसेंट डी लिख रहा हूँ। कॉमा दूंगा, एड्रेस ऑफ क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ एन कर देंगे, वो वैल्यू जाके एन में स्टोर हो जाएगी। एन में स्टोर होने के बाद इसको टर्मिनेट कर दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर करेंगे तो अब बारी है लूप की, क्योंकि जो वैल्यू एन में स्टोर होगी उसमें हम लूप चलाएंगे, ठीक है ना। तो लूप चलाने वाला हूं, देखिए फॉर लूप लगाएंगे, तो फॉर लिखा आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू को स्टार्ट कर रहा हूं वन से, ठीक है। आई इज लेस देन इक्वल टू कहां तक चलाऊंगा, तो एन तक चलाऊंगा, जो एन में वैल्यू है वहां तक। तो लेस देन कर देता हूं, इक्वल टू हटा देता हूं, तो एन कर दिया। और एन करने के बाद यहां पर इंक्रीमेंट कराते रहेंगे, तो आई प्लस प्लस से इंक्रीमेंट हो जाता है। लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनती है, ये तो आपको ही पता होगी, ठीक है। तो यहां लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना ली है। अब यहां पे फॉर लूप वापस से लगाएंगे, और जैसे ही फॉर लूप लगाएंगे तो यहां पर अब जे को यहां पे अब देंगे, तो जे इज इक्वल टू, जे को कहां से स्टार्ट करेंगे, देखिए आई को हमने कहां से स्टार्ट किया था, तो आई को वन से स्टार्ट किया था, ठीक है। आई को कहां से स्टार्ट किया था, वन से। जे को कहां से स्टार्ट करेंगे, तो जे को भी हम कहां से स्टार्ट करेंगे, तो जे को भी स्टार्ट करेंगे वन से। तो जे इज इक्वल टू वन, जे इज लेस देन किया हमने, और एन तक चलाएंगे और टर्मिनेट करेंगे और जे प्लस प्लस कर देंगे। तो ये हो गया, अब इसकी भी बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बन जाएगी। और अब हमें क्या करना है, सिंपली एंटर करना है, कौन सा पैटर्न चाहिए वो देखना होगा। तो जो भी पैटर्न चाहिए वो पैटर्न हमको यहाँ पर प्रिंट कराना होगा। तो प्रिंट कराने के लिए तो प्रिंटर कौन सा चाहिए हमें, जैसे मान लीजिए हमें स्टार नहीं चाहिए, हमें हैश का पैटर्न चाहिए, तो हैश यहाँ पे लगा दिया, बस हो गया काम, ठीक है। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज हो गया, कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ देंगे वापिस से, और प्रिंट एफ देने के बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, बैक स्लैश एन लगा देना है ताकि लाइन चेंज होती रहे। तो ये बैक स्लैश एन भी दे दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि कहीं भी आप ये जो कॉलन है उसको मिस मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी, चलेगा नहीं, ठीक है। अब इसको सेव करना है, तो यहाँ पे पैटर्न डॉट सी के नाम से सेव करता हूँ, इसको सेव हो गया। अब यहाँ से कंपाइल करवाते हैं, बिल्ड पे चलते हैं, कंपाइल करवाया। यहाँ पे स्कैनअप में एरर क्यों आ रही है भाई, टर्मिनेशन भी, ओहो यहाँ पे ये देखिए ये क्या आ गया। चलिए अब सेव कर लिया, अब यहाँ से इसको वापिस से चलाएंगे, तो यहाँ से ये चला दिया और यहाँ पे जाके इसको रन करवा दिया, तो एंटर द नंबर ऑफ रोज आ रहा है। अगर मैं 5 एंटर करता हूँ तो 5 रोज का ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है, देखिए इस तरीके का पैटर्न आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, जैसे हमारी ये तो हैश साइन है, अगर आप स्टार का पैटर्न चाहते हैं तो स्टार दे दीजिए यहाँ पे, और स्टार दे करके यहाँ से बिल्ड पे जाके कंपाइल करवा दीजिए, एक बार सेव जरूर कर लीजिएगा। तो
सेव मुझे लगता है ऑलरेडी है ये। अब यहाँ से रन कर देते हैं और यहाँ पे सेवन कर देते हैं, तो सेवन लाइन का स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा है, देख रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या है, जैसे ही इंटर नंबर ऑफ रोज आएगा स्क्रीन पे और वो नंबर जो एंटर करेगा यूजर एन में जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आई लूप चलाने के लिए आई बनाया, तो आई की वैल्यू को वन से स्टार्ट करेंगे, आई इज लेस देन एन। मान लीजिए यूजर ने एंटर किया हो फाइव, तो लेस देन फाइव चलेगा, यानी फोर टाइम चलेगा ये, ठीक है। और आई प्लस प्लस होता रहेगा, मतलब पहले आई में वन रहेगा, फिर टू हो जाएगा, फिर थ्री हो जाएगा, थ्री के बाद फोर नहीं होगा क्योंकि लेस देन दिया गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से जे की वैल्यू भी दी गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी आपको।